हेलो फ्रेंड्स, आप हमें लाइव देख रहे तो फ्रेंड्स, आपने हमारी पुरानी वीडियो में कई बार DMR मिनी वॉशिंग मशीन का डेमो देखा, उसका अपने फंक्शन देखा। तो इस बार जो है फ्रेंड्स, हम हिल्टन ब्रांड की 3 kg मिनी वॉशिंग मशीन का डेमो देंगे और उसका आपको कैसे फीचर्स हैं, क्या क्या इस बॉक्स के अंदर हमें मिला है, तो वो ब्रीफ में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको ऑनलाइन अमेज़ोन पर, तो फ्रेंड्स इसमें आप एक साथ जो है 3 kg या 3 kg कपड़े डाल सकते हैं। और इसके साथ जो है फ्रेंड्स, आपको एक ये ड्राई टब मिलता है, यानी कि इसमें आप 1 kg के कपड़े डालते हैं। पर हमारा मानना है कि इससे आपके जो कपड़े ज़्यादा, मतलब झंझट ज़्यादा है, आसानी से ड्राई नहीं होते। इससे अच्छा तो यही है कि आप डायरेक्ट तार में डाल दें, या अगर आपके पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो आप उसमें खाली स्पिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आप देखेंगे तो एक प्रकार के 2 टाइमर हैं, यानी कि 2 बटन दिए हैं। आप एक वॉश टाइमर देख रहे हैं, एक दूसरा जो है स्पिन टाइमर देख रहे हैं। तो 15 मिनट का वॉश के लिए है, जबकि स्पिन के लिए जो है 5 मिनट का है। तो फ्रेंड्स, सेलर ने जो है एक बहुत बड़ी प्रिकॉशन बताई है, और ये मिस्टेक हमने पुरानी मशीन में कर दी है। इसमें जो है फ्रेंड्स, आप अगर एक बार इसको चला दो टाइमर, जैसे हमने चला दिया, तो आपने इसको गलती से वापस नहीं लाना है, क्योंकि हमारी पुरानी मशीन का जो है टाइमर ख़राब हो गया है, और कोरोना वायरस के कारण जो है हमें कोई सही ढंग से हम इसको रिपेयर नहीं कर पा रहे। पुरानी DMR मशीन का है, तो वी होप हम सेलर से डायरेक्ट जो DMR का है उनसे बात करेंगे, अगर वो कोरियर के द्वारा बिछा दें। तो आपने ये प्रिकॉशन बड़ी सावधानी से रखना है कि आपने इस टाइमर को, दोनों का टाइमर एंटी क्लॉकवाइज नहीं मूव करना है। लाइट चली जाए तो टाइमर को चलने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें खिलौने वाले टाइमर लगे होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो हम आपको ये अंदर से दिखाते हैं, तो इसमें आप एक साथ 3 kg के कपड़े डाल सकते हैं। अगर आपके बेबीज़ के कपड़े हैं तो वो आप कह सकते हैं वो थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे। अगर आप बड़ी चद्दर या जीन्स धोना चाहते हैं तो वो फिर आपकी 1 या 2 या आएगी। तो ये देखिए, इसकी बॉडी जो है काफ़ी सॉलिड है, मजबूत है, आसानी से ब्रेक नहीं होगी। तो जैसे ये अभी हमने आधा घंटे पहले ही इसको आउट ऑफ बॉक्स निकाला है। जब भी आप कोई मिनी वॉशिंग मशीन खरीदें, एक तो मशीन को चलाकर चेक कर लें, और दूसरा आप इसकी टैंकी को ज़रूर चेक कर लें कि भाई इसमें कहीं पानी तो लीक नहीं कर रहा, ये आप ज़रूर चेक कर लें। आप जो है इसको हम चलाकर भी दिखाएंगे। तो इसकी जो टेक्निकल डिटेल है फ्रेंड्स, ये बिजली कंज्यूम करती है 190 वाट। नेट वेट जो है इस मशीन का 5 kg है, और ये इसका आउटर डायमेंशन है 395 × 395 × 550 mm। तो 395 जो है इसका डायमीटर होगा, और 550 जो है इसकी हाइट होनी चाहिए। और स्पिन ड्रायर कैपेसिटी जो हमने बताया था 1 kg है। इस बॉक्स के अंदर जो है आपको एक वॉशिंग मशीन मिलेगी, एक इनलेट वाटर टब, एक स्पिन बकेट्स, और एक स्पिन बकेट कवर, और एक मैनुअल। तो जो हमने आपको ये दिखाया था कि इसके साथ जो है ये हमारी मेन मशीन होगी, ये आपकी स्पिन बकेट होगी। तो स्पिन बकेट भी काफ़ी अच्छी दी गई है। ये एक इनलेट पाइप है, आप चाहो तो इसको यहाँ लगा सकते हैं। तो हमारा है ये ज़्यादा कामयाब नहीं है, आप इसको डायरेक्ट बाल्टी से पानी डालें या डायरेक्ट पाइप लगा दें, वो ज़्यादा ईजी रहता है। और ये इसको कवर करने के लिए है, आप आसानी से डालकर कर सकते हैं। इसमें स्पिनिंग बड़ी बेकार होती है, क्योंकि हम कई सालों से, 5 साल से जो है मिनी वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो स्पिनिंग जो है बिल्कुल बेकार होती है। तो आप इसमें इतनी उम्मीद ना रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो हम इसको चलाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपकी तार होती है, जब भी आपने कपड़े धोने हैं तो आपने करना क्या है, ये वाला जो पाइप है आपका, ये ऐसे लगा रहेगा। मतलब जब कपड़े धो लें, पानी निकालने के लिए आप इसको, पाइप को नीचे रख सकते हैं। ये पाइप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, तो थोड़ा सा वो लगता है कि महिलाओं को दिक्कत आ सकती है। तो अब जो हम इसको चला कर दिखाते हैं, तो ऑन कर देती हैं, यहाँ से ये ऑन हो गई है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई फिजिकल बटन नहीं है, तो ये टाइमर है। तो ये टाइमर जो है हम जैसे 3 मिनट का लगा देते हैं, और ये आपकी मशीन चालू हो गई है। तो मोटर काफ़ी पावरफुल है इसकी, और इसमें जो है फ्रेंड्स आप देखेंगे 15 सेकंड ये क्लॉकवाइज मूव करेगी, फिर 15 सेकंड बाद ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी।
तो ये फ़ायदा है। मशीन इसकी बड़ी पावरफुल होती है, और स्पिनिंग में क्या होता है कि ये लगातार मूव करती है। अभी हमने स्पिनिंग की चलाई नहीं है, तो वो भी हम आपको चलाकर दिखाएंगे, तो आप इसकी मोटर देख सकते हैं, तो आपके कपड़े काफ़ी अच्छी तरह से धोएगी। दूसरी बात जो है फ्रेंड्स, जो सेलर ने यूज़र मैनुअल में बताया है कि इसके बेस के नीचे पानी नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा आप वेट ना होने दें, पानी जो है रेनी सीज़न होता है, तो इसको नीचे वाले हिस्से को आपको पानी से बचाना है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बकेट्स टाइप वॉशिंग मशीन है। आप हमारी पुरानी वीडियो में किसी भी बाल्टी में लगाने वाली पोर्टेबल वॉशिंग मशीन का भी डेमो दे सकते हैं, तो पुरानी वीडियो में जो है ये हमने इसका दिया था, और इसकी काफ़ी सेल हुई है, मतलब 30 से 40 यूनिट अब तक हमारे लिंक से बिक चुके हैं। ये हमें सिर्फ 2200 की पड़ी है, और जबकि एक कमाल की पॉकेट वॉशिंग मशीन भी है, तो ये सिर्फ हमें 1300 रुपए के करीब पड़ी थी। ये भी आपको बाल्टी में चिपकानी होती है, तो हम इसका नया मॉडल भी डेमो देंगे, जो कि माउस टाइप आता है, जो आपका कंप्यूटर का माउस होता है बिल्कुल वैसा मॉडल है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये जो है, आजकल जैसे आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस इतना फैल गया है कि आपकी अगर नॉर्मल वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाए तो उसको ठीक कराना मुश्किल, और अगर कोई सस्पेक्ट आ जाए कोरोना वायरस का, या बड़ी बड़े शहरों से आ रहे हैं लोग, उनको क्वार्टर में रखना पड़ता है, बिल्कुल अलग रखना पड़ता है, तो उनके कपड़ों को भी सेफली धोने के लिए जो है आपको ऐसी मिनी वॉशिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी सेलिंग आजकल बहुत डिमांड में है, और हमारी जो DMR मॉडल की थी 3 kg की, वो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था या ओवर प्राइस दिखा रहा था, तो इसलिए जो है हमने फिर हिल्टन ही आपको मिल रही है, तो हम वो भी दिखा देते हैं, और नेक्स्ट डे जो है आपको कपड़े धोकर भी दिखाएंगे। ये देखिए, सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल वैसी है जैसी हमारी ये 3 kg की है। इसमें जो है ये टाइमर हो गया वॉश के लिए, स्पिन का भी टाइमर है। यहाँ पर आपका चेंजेस करने पड़ते हैं कि ऑफ वॉश स्पिन, सेम मशीन है। तो इसमें फॉल्ट क्या आ गया कि हमारे जो कपड़े धोते हैं उन्होंने इसका टाइमर ख़राब कर दिया, मतलब ये टाइमर है इसको उन्होंने उल्टा कर दिया, मतलब ऐसे एक बार यूं कर दिया। आप यूं तो कर सकते हैं, बट आप इसको बैक नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये टाइमर जो है ख़राब हो जाता है, और इसका बेस को आपने नीचे नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये था ऑल अबाउट, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, 5 साल तक लगातार ये चल रही है, अभी भी चल रही है। बस ये हमारा जो बैड लक है कि हमारा ये टाइमर ख़राब हो गया, और हमने लोकल मार्केट से लगाया अभी, फिर भी सही ढंग से वायरिंग में दिक्कत आ रही है। तो वी होप हम आने वाले टाइम में दोनों मशीन का क्विक डेमो देंगे, कंपेरिजन करके दिखाएंगे कौन सी बेहतर है। तो आप ये देखिए, आप नेट कैपेसिटी में आप देख लीजिए, इसमें 3 kg के कपड़े आएंगे, तो जैसे छोटे मोटे कपड़े हैं एक पर्सन के, 3 या 4 कपड़े या 5 कपड़े आप इसमें धो सकते हैं, तो हमने इसलिए टेम्परेरी यूज़ के लिए लिया है। तो आप लाइट इन वेट है, ये जो है 5 kg के आसपास है, जबकि ये वाली मशीन आप देखोगे थोड़ी सी बल्की है, और इसमें कपड़े आपके ज़्यादा आएंगे, अडल्ट के जो है 9 से 12 या 15 तक आ सकते हैं। इसमें आप बड़ी बड़ी चादरें, 2 या 3 चादरें, जीन्स वगैरह आसानी से धो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम दोनों मशीन का लिंक वीडियो के नीचे डाल देंगे, आप कोई भी ले सकते हैं, फंक्शन दोनों का लगभग बराबर है, और नेक्स्ट डे जो है यानी कि कल जो है हम कोशिश करेंगे आपको कपड़े धोने के लिए आपको दिखाएंगे भी। तो आपने जो है कोशिश करनी है कि जब भी मशीन आए इसको ज़रूर चेक कर लें। अब जो हम इसका टाइमर चेक, स्पिन ज़रूर चेक करके देखते हैं, तो स्पिन हमने चेक नहीं किया। ये देखिए, स्पिन में जो है करना क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो है आपका इसमें लग जाता है, इसके अंदर फिट हो जाता है। स्पिन में जो है ये मोटर लगातार मूव करेगी, क्लॉकवाइज आप कह सकते हैं, ये फंक्शन है। और इसमें सेम बात है कि आपने इसका टाइमर जो है स्पिन का भी उल्टा नहीं करना। मशीन की जो क्वालिटी है अगर हम देखें, काफ़ी अच्छी है, मजबूत है, कोई कमी नहीं है। तो लोगों ने जो है अमेज़ोन पर इस पर काफ़ी नेगेटिव रिव्यू दिए हैं, भैया एक महीने में ख़राब हो गई है, कई बार कोई लोग कह रहे हैं कि मतलब इतनी बुरी भी नहीं है। बाकी हम आपको जो है इसका रिव्यू डेमो जो है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद प्रॉपर टेस्ट करके भी दिखाएंगे कि ये मशीन कैसे निकलती है। तो
क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, 3 kg में जो है आपको सिर्फ आजकल हिल्टन मशीन ही मिल रही है। तो फ्रेंड्स ये था अबाउट, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी पुरानी वीडियो में जो है आप चाहो तो पोर्टेबल ये वाली मशीन भी ले सकते हैं, 2200 रुपये की है। तो ये हमें थोड़ी ज़्यादा सेफ़ लगती नहीं है क्योंकि इसमें जो महिलाएं होती हैं उनको ज़्यादा यानी कि ओल्ड हैं जो, उनको उनके काम की नहीं है क्योंकि इसमें सेटिंग करनी पड़ती है, फिटिंग करनी पड़ती है। और ये पॉकेट वाली जो मशीन है इसमें इसको चिपकाना पड़ता है। इसका जो हम नया मॉडल खरीदने की कोशिश करेंगे जिसमें माउस वाला आता है, बाल्टी में डाला और आपके वो कपड़े धो देगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स हम वीडियो के नीचे जो है ये एरियल मैटिक वाशिंग पाउडर भी डाल देंगे, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपको आजकल खूब जो है ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन जो है आने वाला टाइम जो है 1 या 2 साल जो है ऑनलाइन ही बढ़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो है ज़्यादा सेफ भी रहता है। अगर हम किसी दुकान में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो वहाँ पर लोग जो है ऑफलाइन स्टोर में जाने की बजाय ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हर एक प्रकार की चीज़ जो है आजकल ऑनलाइन बिक रही है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसकी बॉडी जो है काफ़ी हार्ड है, अगर आपको हम नीचे से दिखाने की कोशिश करें ऑफ करके, तो ये देख सकते हैं आप, ये नीचे से ऐसी है, तो पानी जा सकता है, तो पानी से आपने इस मशीन को बचाना है।